सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन टेक हैकर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि फ्री डोमेन हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री डोमेन रजिस्टर करना बहुत आसान है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि फ्री डोमेन पे आपका .com .in .net .org ये जितना भी प्रीमियम डोमेन है ना, वो आपको फ्री डोमेन पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रीमियम डोमेन है। तो फ्री डोमेन पर आपको जैसे .ticket .ml .nl मतलब कि ये सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करते जाते, यदि .com नहीं मिलेगा तो फ्री डोमेन लेने का फ़ायदा क्या है। फ्री डोमेन लेने का जो फ़ायदा है वो, जब आप बिगनर से कोई भी के वेबसाइट या ब्लॉग शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आपको क्या डोमेन चाहिए होता है। तो जैसे कि आप बिगनर हो और शुरुआत कर रहे हो तो .com थोड़ा महंगा आता है, जैसे कि 600 रुपया हो गया, 800 रुपया हो गया एक साल के लिए। और यदि आपका जो स्टार्टअप है वो यदि सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका जो यहाँ पे जो मनी है वो लॉस हो जाता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप यदि कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोई भी कुछ डिजिटल मार्केटिंग आप पढ़ रहे हो आप या फिर कहीं से सीख रहे हो और थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो फिर आप ऐसा फ्री डोमेन्स आप ले सकते हैं। फ्री डोमेन लेना कोई बुरी बात नहीं है या फिर कोई इलीगल काम नहीं है। फ्री डोमेन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री डोमेन्स है ना, तो उसमें क्या होता है ना, ऐसा आप यदि कुछ स्टार्टअप कर रहे हो और शुरुआत में कुछ प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो, तो फिर यदि ये सक्सेसफुल हो गया है आपका फ्री डोमेन वाला जो वेबसाइट है, तो फिर ये बाद में क्या हुआ ना, उसमें AdSense का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा जो फ्री डोमेन है, तो ये एक दिक्कत है। तो चाहते हो तो अप्रूवल AdSense का नहीं मिलेगा, तो AdSense का जो अल्टरनेटिव एड्स प्रोवाइडर है वहाँ से आप एड ले सकते हैं, या फिर ये काम कर सकते हैं जब आपका जो वेबसाइट है जो फ्री डोमेन आप लिए हैं जिस वेबसाइट के लिए, यदि सक्सेसफुल हुआ है या फिर वो आगे जाकर आपका एक स्टार्टअप बनेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो वेबसाइट है उसको जो फ्री डोमेन से .ticket.nl.ml तो उसको क्या कर सकते हो ना .com या .in पे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो चलो हम बात करते हैं कि कैसे फ्री डोमेन हम लेंगे। तो फ्री डोमेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको आपकी गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से एक वेबसाइट आपको टाइप करना है जिसका नाम है फ्री नाम। तो सिंपल सा टाइप करने के बाद उसको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आपको पहला एक लिंक्स मिल जाएगा freenom.com का, तो आपको उसको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया तो उसके बाद मेरे सामने एक पेज ओपन हो गया है। अभी मुझे क्या करना है ना, मेरा डोमेन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा मेरा क्या करूँगा ना, फाइंड ए डोमेन, मुझे कौन सी नाम पर डोमेन चाहिए। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के नाम पर, जैसे कि इंडियन टेक हैकर, उसके बाद मैं चेक अवेलेबिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, मैं इसके लिए चेक कर देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोला .ticket.ml .cf .gh .gq ये सब क्या है ना, ये फ्री डोमेन है। और ये जो फ्री डोमेन है आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलेगा, वो भी कुछ लिमिटेड है, लिमिटेड पीरियड के लिए मिलेगा, जैसे कि एक साल के लिए आपको मिलेगा, उसके बाद आपको चार्जेस लगेगा, राइट। तो जैसे कि मैं आप देख सकते हैं कि इंडियन टेक हैकर्स के सारे डोमेन्स अवेलेबल है, तो मैं किसी भी डोमेन को मैं यहाँ से ले सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से getit.ticket को मैं ले रहा हूँ, राइट। getit नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहते तो 2-3-4 डोमेन एक साथ ले सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस तो नहीं लग रहे ना, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं दो डोमेन जैसे कि मैं सिलेक्ट किया वहाँ से .ticket.ml, उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा रूम चाहिए .ticket चेकिंग हो रहा है, तो कुछ टाइम लग रहा है .ticket के लिए, तो मैं एक दोबारा एक .ga ले जाता हूँ .ga, ठीक है। तो अभी मैं चेकआउट करता हूँ, दो डोमेन मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो मिस्टर रूल्स कुछ एरर्स आ रहा है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। अच्छा, मैं दोबारा कोई नेम सर्च कर देता हूँ, स्कूल पांडा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, PNDA जो स्कूल पांडा, क्या हुआ था ना, मैं एक बार इसको यूज़ किया था तो कुछ ऐसी दिक्कत आ रहा है शायद। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
फूल तो आ गया है। मैं दो डोमेन ऑलरेडी सिलेक्ट किया हूँ, तो कार्ड पे मैं चेकआउट करता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसके वजह से ये नहीं हो रहा है। और लेकिन देख सकते हो कि आप तो मेरा डोमेन है प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया है और मुझे डोमेन मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं है, तो यहाँ पे मुझे पीरियड सिलेक्ट किया गया है 3 मंथ के लिए, लेकिन मैं इसको ज़्यादा मिलना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ 1 साल तक मैं ले सकता हूँ मैक्सिमम। तो कैसा लेना है आपको, क्या करना है, पीरियड पर क्लिक करना है। जब आप पीरियड पर क्लिक करते हो तो आपका वहाँ से पीरियड शो करेगा, तो आपको 1 साल के लिए सिलेक्ट करना है। जैसे एक साल के लिए सिलेक्ट हो जाएगा तो तब आपको क्या करना है ना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेरा थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मेरा पेज जो है वो सही से नहीं चल रहा है। देख सकते हो कि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू पे क्लिक करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है ना, मोबाइल थोड़ा हैंग हो रहा है, तो इसके लिए वजह से ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैंने बहुत बार कोशिश किया प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम बार बार हो रहा है। ये जो इशू है शायद मेरी मोबाइल के वजह से हो रहा है, मेरा मोबाइल का जो हैंग हो रहा है, या फिर मैंने एक बार जो यूज़ किया था तो शायद उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप एक बार कोशिश करो, आपका जो फ्री डोमेन है वो रजिस्टर हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा है तो मुझे फिर से कमेंट करना, तो मैं उसके लिए दोबारा और कोई और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। लेकिन जैसे मैं आपको बोला कि फ्री डोमेन्स जो है .com.in.net ये आपको फ्री में नहीं मिलने वाला, उसके लिए आपको 600 या फिर 800 रुपया कुछ भी चार्जेस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगी फ्री डोमेन वेबसाइट के बारे में, फ्री नॉम जिसका नाम है freenom.com। और फिलहाल के लिए प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं आपको शो नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है मेरे साथ हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करो आपका जो फ्री डोमेन है वो रजिस्टर हो जाएगा, राइट। तो वीडियो कैसा लगा यार, एक लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।